नमस्कार दोस्तों, वॉरियर्स किचन इन कनपुरिया टेस्ट में आपका स्वागत है। टेस्टी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम बनाने वाले हैं खीर। खीर बनाने के लिए हमने लिया चावल, और चावल को धो के मैंने इसमें रख दिया है प्रेशर कुकर में, और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, ये देखिए। और इसको पानी के साथ साथ में थोड़ा सा दूध डाल दूंगी चावल बॉईल करने के लिए। ये मैंने थोड़ा दूध ऐड कर दिया है। अब ये अच्छे से इसको चावल को हम पहले बॉईल करने के लिए रख देंगे। देखिए पहले हम चावल पका लेंगे, तो मैं इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देती हूँ। प्रेशर कुकर को बंद करके हम इसको 10 मिनट तक छोड़ देती हूँ पकने के लिए। अभी मैं 10 मिनट हो चुके हैं, और ये प्रेशर कुकर को मैंने खोलने जा रही हूँ। ये देखिए, इसमें चावल मैंने रखे थे दूध डाल के, तो चावल बिल्कुल पक गए हैं। ये देखिए चावल बिल्कुल पक गए हैं। अब इसमें मैं दूध को ऐड करूंगी, तो दूध में ऐड कर देती हूँ। दूध को आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आपके पास जिस हिसाब से दूध हो। ये मैंने 1.5 kg दूध लिया था, और इसको धीमे धीमे से चलाएं। ये पूरा चलाने के बाद में ये बिल्कुल खुल जाएगा। जितने भी चावल है ये सारे इसमें ऐसे करके मिक्स कर दें। अभी ये मैंने देखिए इस स्टेप से इतना दूध ऐड कर दिया है कि ये इतना पतला है। इसको 15 मिनट तक धीरे धीरे स्लो फ्लेम में गैस को ऑन करके रखें, और धीमे धीमे पकने दें। अभी मेरे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ये दूध चावल के साथ में बॉयल हो रहा था। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी ज्यादा डालें, अगर कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम। मैं चीनी अब ऐड करूंगी इसमें। आप चाहो तो चावल को इसमें कुकर में बॉयल करके आप बड़े बर्तन में भी, किसी दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं दूसरा बर्तन खराब नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से इसी में बना दिया। तो आप ये ट्रिक भी यूज करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा बर्तन खराब ना हो। अब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश, बादाम और ये काजू। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और अब इसको 5 से 7 मिनट तक और पकने दें। ये जो थोड़ा सा दूध अलग अलग हो रहा है ये एक ही में मैश हो जाएगा। वो आप जब 5 से 7 मिनट तक और पकेगा तब आप इसको देखना, बिल्कुल मैश हो जाएगा। अभी मेरे खीर देखिए, मैंने ये बड़ा वाला यूज कर लिया है क्योंकि उसमें से खीर निकल नहीं रही थी। अब ये गाढ़ी हो गई है और ये मिक्स हो गई है, दूध भी मिक्स हो गया है बिल्कुल अच्छे से। अब इसको इतनी पतली ही उतार लेंगे, क्योंकि जब इस खीर को रखेंगे आप तो ये अभी और ठीक हो जाएगी। तो ये हमारी खीर रेडी हो गई, मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ किसी बर्तन में, तो आप भी इसी तरीके से खीर बनाएं। अभी मेरी खीर बनके रेडी हो गई है, और खीर आप भी इसी तरीके से बनाइए, और हमें कमेंट में शेयर कीजिए कि खीर आपकी कैसी बनी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।